हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वार सिटी। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम जियो की स्पीड को इनक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप जियो की डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करते होंगे तो वहाँ आपको स्पीड 100 से 200 या मैक्सिमम 500 kbps तक मिल जाती होगी। पर अगर हम कुछ सेटिंग को चेंज कर देते हैं तो हमारी स्पीड यहाँ 1 mbps तक आपको मिल सकती है। तो स्पीड हमारी डिपेंड करती है टाइम पे कि हम कब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर हम प्राइम टाइम में यूज़ करेंगे 7 से 8 को शाम को या 11 से 12 रात में तो हमारी जियो की स्पीड बहुत ही कम मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें कि दिन में हम 11 से 12 या शाम को 4 से 5 के बीच में हम जियो यूज़ करते हैं तो हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो कई फैक्टर हैं आपको जियो की स्पीड पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका नेटवर्क कवरेज कैसा है तो इस पे भी आपको डिपेंड करता है जियो की स्पीड, और कुछ टाइम पे भी करते हैं कि आप किस टाइम पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए उसको वो तो सबको हम चेंज नहीं कर सकते, पर हम सेटिंग चेंज ज़रूर कर सकते हैं, हमारी थोड़ी सी स्पीड तो इंक्रीज़ हो ही सकती है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलुलर नेटवर्क्स, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ सिम वन में हमारा जियो पड़ा हुआ है तो हम यहाँ एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ APN खुल चुका है, देखिए आप डिफ़ॉल्ट APN हमारा है जियो नेट, तो ये पहले से मैंने सेटिंग बना रखी है। तो यहाँ पे आपको APN जियो नेट डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, पर यहाँ आपको सर्वर खाली मिलेगा तो यहाँ पे वो फिल करना है www.google.com, ये सर्वर है, आप इसको फिल कर लीजिएगा। और नीचे चलते हैं, यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है हमें। यहाँ पर APN प्रोटोकॉल, अगर आपका IPv4 या IPv6 लगा है तो आपको IPv4/IPv6 सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार यहाँ नीचे भी कर लेना है, और नीचे जाएंगे बिरर में तो यहाँ आपको डिफ़ॉल्ट अनस्पेसिफाइड लगा होगा, यहाँ आपको LTE मोड सेलेक्ट करना है, और बाकी कुछ यहाँ हमें चेंज नहीं करना है, और हमें जाके यहाँ पे सेव कर देना है। तो बस हमारी ये छोटी सी APN की ट्रिक हमारी काफ़ी यूज़फुल होगी इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो आप यूज़ करिएगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग यूज़ करके, और ये चेंज करके सेटिंग यूज़ करिएगा, देखिए काफ़ी फ़र्क आपको महसूस होगा स्पीड में। तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।